गुड आफ्टरनून स्टूडेंट बेटा, चैप्टर 5 को कंटिन्यू करते हुए आज हम दादरा एंड नगर हवेली दमन एंड दीव को कंप्लीट करते हैं। कल हमने आपको बताया था कि पहले दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थी, जिन्हें सन 2019 में मर्ज कर दिया गया, एक बना दिया गया, और सन 2020 में इसकी राजधानी दमन को बनाया गया। इसमें दो डिस्ट्रिक्ट हैं, दमन एंड दीव, जो गुजरात के साउथ दक्षिण भाग में पड़ते हैं। पहले इस पर पुर्तगालियों का शासन था और पुर्तगालियों से ये 1961 में मुक्त हो गया। आगे इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। बींग नियर द सी, फिशिंग इज मेन ऑक्यूपेशन। समुद्र के किनारे पर होने के कारण यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय मछली पालन है। गुजराती और मराठी दो मुख्य भाषा हैं यहाँ पर। देवका बीच दमन एंड नगला बीच इन दीव आर द पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस। देवका बीच दमन में और नगला बीच जो दीव में है, यहाँ पर मुख्य पर्यटक स्थल हैं। दादरा एंड नगर हवेली लाई नियर द वेस्टर्न कोस्ट, इंटरसेप्टेड बाय द टेरिटरीज ऑफ गुजरात। दादरा एंड नगर हवेली गुजरात का जो क्षेत्र है उसके पश्चिमी भाग पर पड़ता है। इट हैज़ टू डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर दो डिस्ट्रिक्ट हैं, दादरा एंड नगर हवेली। दादरा और नगर हवेली दो यहाँ पर जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं। दादरा में 3 विलेज हैं और नागरा हवेली है 69 विलेज। दादरा में 3 गांव हैं और नगर हवेली में 69 गांव हैं। लाइक दमन एंड दीव, इट वॉज ऑल्सो रूल्ड बाय द पोर्टुगीज टिल 1961। दमन एंड दीव की तरह यहाँ पर भी पुर्तगालियों का शासन 1961 तक था। ऑन 11 अगस्त 1961 इट बिकम फ्री एंड वॉज मर्ज इंटू द इंडियन यूनियन। 11 अगस्त 1961 को यह पुर्तगालियों से मुक्त हो गया और भारतीय यूनियन टेरिटरीज में मिला लिया गया। मैनी ट्राइबल लिव हेयर, बहुत सारी जनजातियाँ यहाँ पर हैं। द मेन ऑक्यूपेशन इज फार्मिंग, यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। राइस एंड रागी आर मेन क्रॉप्स, चावल और ज्वार यहाँ की मुख्य फसल है। बिली भिलोडी गुजराती और हिंदी यहाँ के लोगों की मुख्य भाषाएँ हैं। द नियरेस्ट एयरपोर्ट इज एट मुंबई, और यहाँ का जो पास का जो एयरपोर्ट है वो कहाँ पर है, मुंबई। अब है गोवा आपका। गोवा इज लोकेटेड ऑन द कोंकण कोस्ट। गोवा कहाँ पड़ता है, गोवा कोंकण कोस्ट में पड़ता है। गोवा इज इज क्लीन एंड ग्रीन प्लेस, गोवा एक साफ और बहुत सुंदर स्थान है। लाइक दमन एंड दीव, गोवा वॉज अंडर द पोर्टुगीज रूल टिल इट बिकम फ्री। स्वतंत्र होने से पहले दमन एंड दीव पर भी पुर्तगालियों का ही गोवा पर भी पुर्तगालियों का शासन था। इट इज ए स्मॉल ब्यूटीफुल प्लेस, यह बहुत सुंदर स्थान है। विच अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ फुल फ्लडेड स्टेट इन 1987। इसे एक संपूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, 1987 में इसे संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, जो पहले एक यूनियन टेरिटरी था। और इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी पणजी है। द मेन रिवर दैट फ्लो थ्रू द गोवा, कौन कौन सी नदियाँ गोवा में बहती हैं, मांडवी, जोरी, टेरेकोल, छपरा एंड बैतूल नदी जो यहाँ पर बहती हैं। ऑक्यूपेशन, यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्यों है, फिशिंग इज मेन ऑक्यूपेशन, मछली पकड़ना यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। पैडी इज मेन एग्रीकल्चर क्रॉप हेयर, पैडी मीन्स धान, यहाँ के लोगों का मुख्य फसल कौन सी है, कौन सा उगाई जाती है, धान। और जो अदर फसल हैं वो कौन कौन सी है, रागी, एरिका नट, कैशू नट, कोकोनट आदि, नारियल, काजू आदि यहाँ पर और भी उगाई जाती हैं। और जो यहाँ की मुख्य फसल है वो धान है। गोवा इज रिच इन आयरन ओर डिपॉजिट, और जो आयरन के संरक्षण में भी ये बहुत अच्छा है। लाइफ स्टाइल, यहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल कैसी है, पहले भाषा कोंकणी इज द मेन ऑफिशियल लैंग्वेज, यहाँ की जो मेन भाषा है ऑफिशियल लैंग्वेज वो है कोंकणी। हाउएवर मैनी पीपल स्पीक मराठी, पर कुछ लोग यहाँ पर मराठी भी बोलते हैं। द इफेक्ट ऑफ मैनी ईयर्स ऑफ पुर्तगाल रूल इज स्टिल एविडेंट इन गोवा एज मैनी पीपल स्पीक पुर्तगीज। अभी हमने आपको बताया कि गोवा पर भी पहले पुर्तगालियों का शासन था, इसी कारण यहाँ पर कुछ लोग अभी तक पुर्तगाली भी बोलते हैं। मुख्य व्यवसाय यहाँ को लोग, यहाँ का मुख्य जो त्यौहार है फेस्टिवल, क्रिसमस, गणेश चतुर्थी, दिवाली और नवरात्रि, यहाँ के लोग जो इन मेन मुख्य त्यौहारों को मनाते हैं, कौन कौन से, क्रिसमस, नवरात्रि, गणेश चतुर्थी और दिवाली।
फेमस प्लेस, अब मुख्य स्थान क्या है? द बासिलिका ऑफ बोर्न जीसस वेयर द बॉडी ऑफ सेंट फ्रांसिस एक्जेवियर इज कॉप्ड। एक चर्च है जहाँ पर सेंट फ्रांसिस एक्जेवियर्स की जो बॉडी थी रखी गई थी। इस ये चर्च यहाँ पर एक मुख्य स्थान है, फेमस प्लेस है। और मीनाक्षी टेम्पल इज ऑल्सो ए फेमस टूरिस्ट प्लेस। और यहाँ पर मीनाक्षी मंदिर है, वो भी यहाँ पर मुख्य पर्यटक स्थल है। बेटा आज हमारा पेज नंबर 45 कंप्लीट होता है। आपको पहले की तरह इस पर भी हार्ड वर्क को अंडरलाइन करना है। कल हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 46। थैंक यू।